21 जुलाई को थ्री जजेस बेंच की एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसका नाम है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो इनरोलमेंट फीस स्टेट बार काउंसिल्स चार्ज करते थे, अब स्टेट बार काउंसिल्स 750 रुपए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए और 150 रुपए एससी एंड एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए इससे ज्यादा वो चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया गया है कि वो एक सर्कुलर निकाले। जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्कुलर नहीं निकाल रहा है, बहुत सारे स्टेट काउंसिल्स हैं जिन्होंने अपना सर्कुलर निकाल दिया कि उन्होंने एनरोलमेंट प्रोसेस अभी के लिए रोक दिया है। ये जो जजमेंट है ये प्रोस्पेक्टिव नेचर की है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि ये 30 तारीख को ये जजमेंट आई है तो 30 तारीख के बाद से ये एप्लीकेबल होगी एंड इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि फ्रॉम बैक डेट। इसका मतलब अगर आपने अपना एनरोलमेंट 30 तारीख से पहले कराया है तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई भी जजमेंट आती है तो उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होगा, जब तक कि यह ना बोला जाए कि वो जजमेंट प्रोस्पेक्टिव नेचर की है। इस जजमेंट में स्पेसिफिकली प्रोस्पेक्टिव बोला गया है और इसलिए आपने अगर अपना एनरोलमेंट 30 तारीख से पहले कराया है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।